दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कुछ नया जॉब वैकेंसी के बारे में। मेरे पास कुछ नया जॉब आया है, जॉब वैकेंसीज आया है साउथ कोरिया से। तो उसी क्या क्या जॉब वैकेंसी आया है, कौन सा फैक्ट्री में काम है, कौन से इंडस्ट्री में काम है, ये सारा जॉब डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। मेरे पास जो जॉब वैकेंसी आया है उनका क्या सैलरी है, उनका ड्यूटी आवर्स क्या है, उनका फूड एंड अकोमोडेशन उसी कंपनी प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा, ये सब कुछ डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नया व्यूअर्स है मेरे चैनल में, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे पास जो जॉब वैकेंसी आया है ये कोई वर्क परमिट नहीं है। अगर आप लोग ये जॉब करना चाहते हो तो आपको इंडिया से पहले साउथ कोरिया जाना पड़ेगा टूरिस्ट वीज़ा पे या तो बिजनेस वीज़ा पे। कोरिया जाने के बाद ही आप ये जॉब वगैरह कर सकते हो। और साउथ कोरिया में लॉन्ग टर्म रहने के लिए, मतलब 3 से 4 साल रहने के लिए आपको एक जीवन कार्ड मिलेगा, जिस जीवन कार्ड के थ्रू आप उधर 3 से 4 साल लीगली रह सकते हो और आप इंडिया आ सकते हो एंड वापस जा भी सकते हो। तो दोस्तों ये कोई वर्क परमिट नहीं है, ये आपको विजिट टू वर्क होगा, मतलब आपको इंडिया से पहले टूरिस्ट वीज़ा पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरे पास जो पहला जॉब वैकेंसी है वो है प्लास्टिक लेक फैक्ट्री का जॉब है। ये जो प्लास्टिक लेक फैक्ट्री है इसमें अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप ये काम कर सकते हो, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना है तो भी आप ये काम कर सकते हो। दोस्तों इसमें जो ड्यूटी आवर्स है वो मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 7 PM है और इवनिंग 7 AM टू मॉर्निंग 7 PM, मतलब दो शिफ्ट में ड्यूटी है। आप कोई भी एक शिफ्ट चूज़ कर सकते हो अपने खुद के लिए। दोस्तों इसी कंपनी में जॉब करने के लिए आपको जीवन कार्ड का ज़रूरत है और कंपनी आपको इसमें फूड एंड एकोमोडेशन दोनों ही प्रोवाइड करेगा, मतलब। और दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस का कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों कंपनी इसमें आपको जो सैलरी प्रोवाइड करेगा वो कोरियन वॉन में होगा। कोरियन वॉन में आपको सैलरी मिलेगा 36 लाख कोरियन वॉन, 36 लाख जो कोरियन वॉन आपको सैलरी मिलेगा वो लगभग इंडियन करेंसी में हो जाता है 2,41,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी में आपको सैलरी मिलेगा। साथ में आपको रहना खाना सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों ये काम करने के लिए आपको पहले इंडिया से जाना पड़ेगा साउथ कोरिया टूरिस्ट वीज़ा पे और उधर टूरिस्ट वीज़ा पे पहुंचने के बाद आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है वो जीवन कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी आप ये काम कर सकते हो। दोस्तों मेरे पास जो दूसरा जॉब वैकेंसी आया है वो एक वेजिटेबल फार्मिंग का जॉब है। दोस्तों इस वेजिटेबल फार्मिंग में आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस में का आपका इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें जो ड्यूटी आवर्स है वो मॉर्निंग 6:30 AM से इवनिंग 5:30 PM तक, मतलब सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक आपका ड्यूटी आवर्स है। और इसमें जो पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा, मतलब आपको जो जॉब पे लोकेशन पे आप जाओगे एंड रूम पे वापस आओगे वो कंपनी आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेगा। दोस्तों इसी कंपनी आपको फूड एंड एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगा, मतलब रहना एंड खाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, वो पूरा कंपनी बेयर करेगा। साथ में दोस्तों आपको इसमें जीवन कार्ड का ज़रूरत है। आपके पास कोई लॉन्ग कैटेगरी का वीज़ा है, चाहे वो G1 है, चाहे D2 है, चाहे F1 है, कोई भी लॉन्ग कैटेगरी का अगर आपके पास वीज़ा है तो आप ये काम कर सकते हो। दोस्तों इसमें जो सैलरी पैकेज दिया गया है वो 26 लाख कोरियन वॉन है, मतलब कोरियन वॉन 26 लाख कोरियन वॉन आपको सैलरी मिलेगा, जो इंडियन करेंसी में हो जाता है लगभग 1,74,000 आपको इंडियन करेंसी में सैलरी मिलेगा। साथ में आपको रहना खाना भी मिलेगा। और दोस्तों ये काम करने के लिए आपको पहले इंडिया से जाना पड़ेगा टूरिस्ट वीज़ा पे साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया जाने के बाद आपको जो वीज़ा है वो कन्वर्ट हो जाएगा जीवन कार्ड में, और जो जीवन कार्ड का कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस है ये हम लोग ही करवाएंगे आपका। आपको इसमें कोई हेडेक नहीं है, आपको जॉब मिलेगा, जीवन कार्ड भी मिलेगा और रहने के लिए सारा जो अरेंजमेंट है वो हम लोग ही करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे जो नंबर दिया है उसमें आप कॉल करके मिस्टर रोबिन आरो के साथ बात कर सकते हो। दोस्तों मेरे पास जो तीसरा जॉब वैकेंसी है वो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री का जॉब है। टेक्सटाइल फैक्ट्री में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आपको आप ये काम कर सकते हो। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर्स हो, आपको
आपने ज़िंदगी में कभी भी कोई काम नहीं किया हो तो भी आप ये इसमें लोडिंग अनलोडिंग का काम कर सकते हो, पैकिंग का भी इसमें आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों इसी कंपनी में जो ड्यूटी आवर्स है वो मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 7 PM, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आपका ड्यूटी है। और इसमें संडे ऑफ है, मतलब वीकली वन डे इसमें आपको छुट्टी मिलेगा। साथ में कंपनी आपको रहना एंड खाने के लिए सारा इंतजाम करके देगा, मतलब आपको फूडिंग एंड एकोमोडेशन कंपनी फ्री में प्रोवाइड करेगा। और इसमें आपको लैंग्वेज का भी ज़रूरत नहीं है, आप अगर कोरियन लैंग्वेज आपको ना आता हो ना आपका इंग्लिश अगर नहीं आते हैं तो भी आप ये काम कर सकते हो। साथ में दोस्तों अगर आपके पास कोई लॉन्ग कैटेगरी का वीज़ा है तो आप ये काम कर सकते हो। दोस्तों इसमें जो सैलरी पैकेज है वो लगभग 28 लाख कोरियन वॉन है, जो 28 लाख कोरियन वॉन सैलरी है ये इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाते हैं 1,88,000। दोस्तों कोई भी फ्रेशर्स के लिए ये सैलरी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ इसमें ध्यान में रखना, आपका जो ड्यूटी आवर्स है वो 12 घंटे का है। साउथ कोरिया में अगर आप कोई भी काम आपको मिल रहा है और आपको सैलरी कम से कम 1.5 लाख के ऊपर जा रहे हैं तो वो काम आपको 12 घंटे के ऊपर ही मिलेगा, नहीं तो ओवर टाइम जुड़ के वो सैलरी 1.5 लाख के ऊपर जाएगा, नहीं तो मिनिमम सैलरी उधर 1,20,000 के आसपास होते हैं। दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सारा जॉब के लिए तो आप मिस्टर रॉबिन आरो के साथ बात करो, उनके साथ कॉन्टैक्ट करो, फ़ोन पर बात करके सारा प्रोसेस समझ लो और आगे जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करो। दोस्तों मैं और भी और एक बार दूसरी बार बता दूं कि ये कोई वर्क परमिट नहीं है, ये कोई वैकेंसी नहीं है। अगर आप साउथ कोरिया जाके जॉब करना चाहते हो तो आप लोग हमारे थ्रू जाते हो जा सकते हो, क्योंकि हम इधर से कैंडिडेट को टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा पे साउथ कोरिया भेज दें, उसके बाद उसका जो वीज़ा है वो जीवन कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था वो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा जो नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आज के लिए ये वीडियो इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।